आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना के यारपुर स्थित डोमखाना पहुंचे, जहां वे लोगों से मिले और उनकी समस्याओं को सुना। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वहां के लोगों के आवास को लेकर चर्चा की तथा उनकी समस्याओं के बारे में भी बात की। वहीं उन्होंने वहां के बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि वह यारपुर के बच्चों के लिए सुपर 30 में बात करेंगे, जिससे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर और आगे बढ़ सके। बहुत अच्छा लगा ये वर्मा जी और बागी रत्न पासवान जी ने आग्रह किया था। पहले यहाँ इन लोग का मकान गिरा रहे थे तो मैंने उसको मदद करके रोका था, तो आज मैं इन लोगों से मिलने आया था और आज मैंने इनसे 2-3 बातें कही हैं कि आपकी पढ़ाई के लिए और व्यवस्था होनी चाहिए। मुझे खुशी हुई कि यहाँ के बच्चे स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप भी करते हैं, टेक्नोलॉजी के प्रति उनकी रुचि बढ़ रही है। इस दिशा में जो भी सहयोग होगा, उनकी ट्रेनिंग हो, बाकी हो, तो मैं प्रयास करूँगा। और बाकी इन लोग के लिए जो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के कार्यक्रम हैं, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के कार्यक्रम, बहुत से मकान बने हुए हैं, तो उसमें और व्यवस्था क्या हो सकती है, इसमें मैं पूरी कोशिश करूँगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत को एकता का एक बहुत बड़ा सपना बनाया। बाकी यहाँ इन लोग का एक भवन है तो नगर निगम से नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा, तो मैं अपने सांसद फंड से यहाँ एक लोगों के लिए सामुदायिक ऑफिस बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, ये मैंने सब कहा है। लेकिन मुझे सबसे खुशी इस बात पर होगी जब यहाँ के बच्चे पढ़ें, और मैंने ये भी इनसे आग्रह किया है कि आप पढ़ाइए उनको, तो मैं स्वयं बात करूँगा सुपर 30 के संस्थापक से कि मैं 2 बच्चों को बढ़िया से ट्रेन करके IIT की परीक्षा में उनको सफल कराया, ये हमारी कोशिश है। बहुत बहुत धन्यवाद।